श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो नो मित्रः शं वरुणः भवत्तु नो शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव वा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिश्यामि रितं वदिश्यामि सत्यं वदिश्यामि तन्माम अवतु तत्वक्तारम अवतु आवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांति 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 आदरणीय विजय श्री शर्मा जी फाउंडर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ संगीत श्री स्कूल ऑफ म्यूजिक Arizona, यूएसए मैं इस अवसर पर आपको अत्यंत हार्दिक बधाई देती हूँ कि आपने संगीतोद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार संगीत समारोह का जो आयोजन किया है और उसमें मुझे प्रतिभागी होने का अवसर प्रदान किया है विष्णु दिगंबर पुरुषकर जी के विषय में संगीत उद्धारक के नाम से सब कोई परिचित हैं उनके कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जिसको कुछ शब्दों में बांधना बहुत कठिन है मैं क्योंकि संगीत की और वेद की विद्यार्थी हूँ जो मैंने उनके चरित्र में और उनके कार्य में देखा है अनुभव किया है मुझे ये दिखाई देता है कि उन्होंने वैदिक संगीत और वैदिक संस्कृति का ही प्रवाह किया है मैं उनको संवाहक या प्रवाहक के रूप में कह सकती हूँ इसलिए मैंने आज के इस पत्र का इस अपने व्याख्यान का विषय भी रखा है वैदिक संगीत परंपरा के संवाहक पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का जन्म ही अपने आप में वैदिक परंपरा को दिग्दर्शित करता है पंडित विजय का जन्म 14 अगस्त अठारह सौ बहत्तर ईस्वी में हुआ कुरुद्वार महाराष्ट्र में उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी तो श्रावणी पूर्णिमा और पूर्णिमा का महत्व हमें तब दिखाई देता है जब हम वेद व्यास जी के जन्म स्थान को देखते हैं जो उनके जन्मदिन को देखते हैं महर्षि वेद व्यास जिनको द्वैपायन व्यास के नाम से जाना जाता है जिन्होंने चारों वेदों भागवत पुराणों का संकलन किया उनका जन्म आषाढ़ी पूर्णिमा पे हुआ था जिसे हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं तो ये चाहे एक संयोग की बात है ये चाहे एक कोइंसिडेंस हम इसको कह लें लेकिन मैं अगर इसको ज्योतिष के ढंग से देखती हूँ तो ये पूर्ण पूर्णमासी के दिन का एक जो जन्म है वो अपने आप में वेद परंपरा में दर्श पूर्णमास यज्ञ भी हुआ करता था एक बहुत पूर्ण दिन है तो उस तरह से फिर पंडित जी के घर में जो संगीत का माहौल रहा उनको विरासत में ही आध्यात्मिक संगीत मिला क्योंकि उनके पिताजी कीर्तन करते थे और अच्छे शास्त्रीय संगीत के मंच प्रदर्शक भी थे कुछ दुर्भाग्य कुछ सौभाग्य हो जाता है पंडित जी की दृष्टि जो है लौकिक दृष्टि वो 12 बारह साल की उम्र में उनकी चली गई लेकिन उसी दिन से उनको अंतर्दृष्टि अवश्य प्राप्त हो गई शैक्षणिक योग्यता उनकी साधारण शिक्षा तो नहीं हो सकी लेकिन प्रज्ञाचक्षु होने के कारण उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया गया और इसके लिए वो बालकृष्ण बुआ जी के पास गए वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक अध्ययन किया संगीत की शिक्षा ग्रहण की अलौकिक आवाज़ थी उनकी कंठ में माधुर्य था और संगीत का जो उनको ज्ञान हुआ उससे चार चांद लग गए अब उन्होंने संगीत का प्रचार करने का संकल्प लिया और संकल्प के साथ उसको कार्यान्वयन करने के लिए संगीत के प्रचार प्रसार के लिए जो एक शैली अपनी अपनाई वो एक अद्भुत शैली थी उसका कारण था उसका कारण ये था कि उस समय संगीत रियासतों में था और मात्र मनोरंजन का साधन माना जाता था लेकिन पंडित जी को ये कभी स्वीकार्य नहीं था क्यों क्योंकि वो वैदिक परंपरा से अनुप्राणित थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति संगीत से होती है लेकिन तीन वर्गों को अपेक्षित करके मात्र मनोरंजन काम के लिए ही संगीत का प्रयोग राजवाड़ों में होने लगा घरानों में होता था राजघरानों में होता हुआ उन्होंने देखा और संगीतकार को भी उन्हीं के अनुसार बंदिशों का निर्माण करना और उन्हीं के अनुसार संगीत को प्रस्तुत करना होता था जो इनको कभी भी रुचिकर नहीं लगा पंडित जी ने संकल्प किया और संगीतकारों का सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं था पंडित जी ने संकल्प किया मैं तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक संगीत को और संगीतकारों को संगीत साधकों को उस सम्मान का स्थान प्राप्त ना करा दो आपने परिव्राजक होकर के घूमना स्वीकार किया सतारा में आपने पहला प्रोग्राम दिया आपने अनुभव किया कि वाकई ही संगीत में बहुत कार्य करना आवश्यक है सतारा रहे कुछ दिनों मिरज चले गए मिरज के बाद फिर आपने पूर्वोत्तर की तरफ पूर्व पूर्व पश्चिम प्रदेश हैं जो उत्तर उत्तर पश्चिम प्रदेश हैं पंजाब आदि इलाके इनमें आपने भ्रमण करना शुरू किया और इस तरह से भ्रमण करते हुए जब आप पंजाब में आए लाहौर में तो आपको संगीत का यहाँ ऐसा क्योंकि लाहौर अपने आप में एक सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता था उस समय का आपको ऐसा लगा कि एक आवश्यकता महसूस हुई यहाँ एक संस्था का स्थापन होना चाहिए अगर मैं वैदिक परंपरा को याद करती हूँ तो वेदों का विसृजन पंजाब की इस सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुआ था साक्षात्कृत धर्माणा ऋषियों जिन ऋषियों ने स्वयं धर्म का साक्षात्कार किया था उन्हीं ऋषियों ने ते अवरे भ्यो असाक्षात्कृत उपदेशेन मंत्रान संप्राद तो उन लोगों ने ही उन्हीं ऋषियों ने जो लोग धर्म का स्वयं साक्षात्कार नहीं कर सकते थे उनके द्वारा उनको ज्ञान के द्वारा प्रवचन के द्वारा परंपरा चली ज्ञानवान बनाने की तो इस तरह से शिक्षण और अध्यापन की परंपरा प्रारंभ हुई थी वैदिक काल में आपने उसी का अनुकरण करते हुए कि कोई भी व्यक्ति वेद पढ़ सकता है कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी गुरु के पास जा सकता है इस आशय से आपने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की ये एक ऐसा स्थान था जो सार्वजनिक स्थान था जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के संगीत का अभ्यास कर सकता था संगीत की शिक्षा ले सकता था और फिर उसको समाज में प्रदर्शित भी कर सकता था तो उचित वातावरण समाज में संगीत के लिए देना और विशेषकर स्त्रियों के लिए देना क्योंकि अभी तक स्त्रियां जो हैं वो संगीत में शिक्षा ग्रहण करने का कोई साधन नहीं था उनके पास उन्होंने संगीत को सर्वसुलभ उसी तरह से कराया जैसे वैदिक काल में गुरु परंपरा में हुआ अब उनके सिर्फ उन्होंने स्वयं साधना ही नहीं की अपितु तो उस स्वयं साधक के जो चरित्र के गुण हैं उनको भी अपनाया। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सब नियम जो हैं इन नियमों को भी उन्होंने अपनाया और उसी अनुशासन को उन्होंने विद्यार्थियों को दिया उन्होंने एक खास स्कूल तैयार किया जिसमें स्वयं तो साधना की ही थी लेकिन जिस घराने के वो प्रतिनिधि हुए वो घराना ग्वालियर घराना के नाम से प्रसिद्ध है जिसे अष्ट जैसे अष्टांग गायकी का घराना भी कहते हैं और अगर देखा जाए तो इसमें मूल तत्व जो है ये सात्विक भावना से ओतप्रोत है और धर्म और आध्यात्म की बंदिशों का आपने केवल निर्माण ही नहीं किया उनको शिष्यों पर में आकर के सिखाया आपका संगीत बहुमुखी था आ, आपका संकल्प बहुआयामी था आपने वो संकल्प किया देशभक्ति हो सब सर्वप्रथम जिस देश पे जिस भूमि पे हम पैदा हुए हैं उसके प्रति कृतकृत्य होना उसके प्रति श्रद्धावान होना माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया ये वैदिक ऋषि का वाक्य आपके आ, दिमाग में हमेशा रहा और आपने वंदे मातरम का गान जो है वो वंदे मातरम को कंपोज करके उसका गान मुक्त कंठ से जगह जगह गाया सिर्फ यही नहीं आध्यात्म को भी आपने बढ़ावा दिया रघुपति रागा राजा राम की धुन आपने निर्माण की और उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे गांधी जी के मूवमेंट में गांधी जी आपके प्रिय मित्र थे गांधी जी के मूवमेंट में आप शामिल हुए और इस राम धुन को गांधी जी ने आज़ादी के लिए एक हथियार के माध्यम से मतलब एक पूर्वक हथियार जिसको हम कहते हैं वो अपनाया जो धुन आपने की थी यही नहीं इसके साथ आपके प्रिय शिष्य पंडित नारायण नरेश्वर खरे आपने उनको गांधी जी के आग्रह पर साबरमती आश्रम में नियुक्त करवाया वहाँ वो भजन जो प्रा, प्रातः उनका भजन संध्या होती थी उसमें नारायण नरेश्वर खरे जी ने आपके बनाए हुए भजनों को वहाँ आपके कंपोज किए हुए भजनों को वहाँ गान किया जाता था तो इस तरह से देशभक्ति का एक जो बीच लेकर के चले थे जिसके कि प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे आपने संगीत के माध्यम से उस धारा को और भी प्रबल कर दिया जगह जगह रामधुन से लोग एकत्र हो गए और इतने इतने बड़े आंदोलन जो हैं वो उनके परिणाम सब जानते हैं कि हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई इसी के साथ आध्यात्म आपने जो बंदिशें गाई जो बंदिशें कंपोज़ की उनका आधार आध्यात्मिक था उनका आधार धार्मिक था पौराणिक था यह परंपरा वेद में यज्ञों में प्रयोग होने वाले संगीत की थी अयज्जो वा ऐशा असामा जिसमें साम का गान नहीं वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं आपका भी यह कहना था कि जो संगीत की सभा है उसमें अगर धार्मिकता नहीं उसमें अगर आध्यात्मिकता नहीं तो वो संगीत अपने में पूर्ण कैसे हो सकता है तो आपने ऐसे जितने भी वाक्य थे चाहे वो पुराणों के हों चाहे वो वेदों के हों उनके आधार पर बंदिशों का निर्माण किया और उन बंदिशों के निर्माण में एक बंदिश का मैं यहाँ जैसे उदाहरण देना चाहूँगी रामचरित मानस की प्रसंग है सीता के विवाह का जहाँ गौरी पूजन के लिए सीता जाती हैं वहाँ पे है जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश चंद चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी द्युति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भय विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वश विहारिणी अब आप इसको आपने राग रागेशी में बागेश्वरी में भी कई लोग गाते हैं ऐसा कंपोज किया कि आज भी विश्वविद्यालयों में विद्यालयों में इस तरह के कंपोजिशंस को गाया बजाया जाता है तो एक नहीं अनेकों बंदिश हैं और एक चीज़ मौखिक परंपरा से संगीत सीखा जाता है सीना बसीना इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन वैदिक धारणा थी कि जो कहा जाए वो है परोक्ष संगीता। लेकिन प्रत्यक्ष में कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई स्वर है तो उस समय वैदिक स्वरांकन पद्धति का निर्माण हुआ था महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का जो संकलन किया था वो सस्वर था उन पे स्वर लगा हुआ था चाहे वो ऋग्वेद हो चाहे वो सामवेद हो चाहे वो अथर्वेद हो या यजुर्वेद और स्व के तो दो तरह के संकलन थे एक आर्चिक जिसमें उद्दात अनुदात स्वरित थे और जो गान संगीता थी उसमें कृष्ठ आदि संगीत के सात स्वरों को स्वरांकित करके स्वरलिपि में ही संकलित किया था उसके बाद भले ही जाति गान रहा हो मूर्छना गान रहा हो प्रबंध गान रहा हो या ध्रुपद गान अगर हम उन युगों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें कहीं भी स्वस्वर बंदिशों की कंपोजिशंस कहीं लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती हैं तो ये वैदिकों की जो परंपरा थी कि अगर संगीत का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए स्थायित्व प्रदान करने वाला एक शिष्ट साहित्य के साथ एक स्वरांकित साहित्य की भी आवश्यकता होगी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंडित जी ने स्वरांकन पद्धति का निर्माण हुआ किया जिसको हम उन्हीं के नाम से आज विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से जानते हैं तो उन्होंने इस पद्धति का आविष्कार कर संगीत को स्थायित्व कर एक तरह से प्रत्यक्ष संगीता का जो निर्माण करके समाज में रखा वो अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है इसके साथ ख्याल गायन का प्रचार था ख्याल में उन्होंने ऐसी बंदिशें जो गाई छोटे बड़े ख्याल की बंदिशों को हम सब गाते बजाते रोज हैं और उनमें एक परंपरा और उन्होंने और जोड़ी महाराष्ट्र में जब गंधर्व महाविद्यालय 1906 में फिर गंधर्व महाविद्यालय की एक ब्रांच महाराष्ट्र में भी बम्बई में खोली गई और उनके पास साधन तो थे नहीं लेकिन जो साधन वो कमाते थे जितनी कमाई उनके पास थी वो साधन सारे वो उसी में ही उसको लगा देते थे एक उन्होंने पत्रिका आ, आ, का भी समायोजन किया था जो कि ज़्यादा नहीं चली संगीत प्रवाह के नाम से थी वो ज़्यादा नहीं चली आपने शिष्य की परंपरा जो है सब जानते हैं आ, कि इनकी शिष्य का परंपरा में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पंडित विनायक राव पटवर्धन पंडित नारायण राव व्यास एक से एक बढ़कर जो है कलाकार इन्होंने एक प्रबुद्ध जो शिक्षक वर्ग तैयार किया तो कहते हैं कि वेन यू नीड टू मेक द सोसाइटी देन फर्स्ट एजुकेट द एजुकेटर्स तो जो आगे शिक्षण प्रदान करने वाले थे आपने विद्यार्थी ही नहीं तैयार किए अभी तो अच्छे शिष्य तैयार किए आपने करीब साठ के करीब पुस्तकें लिखीं जो कि आज भी उपलब्ध हैं जिनमें बाल बोध भी हैं महिलाओं के लिए भी हैं और दूसरे लोग वर्ग के लोगों के लिए भी और आपका एक कार्य जो ख्याल की जो आप प्रस्तुति करते थे उसमें आपकी विशेषता ये थी महाराष्ट्र में ख्याल गायन के बाद जो अभंग गाने की प्रथा थी वो आप ही ने प्रचलित की थी और वो जो आज भी विद्यमान है आमतौर पर महाराष्ट्र में जब ख्याल गायन की प्रस्तुति होती है तो साथ में भजन के रूप में अभंग गाया जाता है जो कि एक अपने आप में वहाँ की एक बहुत ही सुंदर एक धार्मिक शैली है इसके साथ साथ और कार्यों में जो है आ, आपका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है बहुत ही प्रशंसनीय है कि आपके शिष्यों पर शिष्यों ने जो किया आपके उन्होंने जो आगे परंपरा चली और गांधर्व महाविद्यालय तो इतना प्रचलित तो हो गया कि जगह 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 उसकी शाखाएं खुली आज देश विदेश में गांधर्व महाविद्यालय की शाखाएं जो हैं वो कार्य कर रही हैं और कोई डिग्री नहीं पहले होती थी तो आप ही ने सारे सिलेबस पाठ्यक्रम तैयार किए रागों को किस अनुशासन में सीखना है उनको उनकी स्वरलिपियाँ उनके आलाप उनकी बंदिशें उनकी ताने उनके विस्तार पूर्ण राग को कैसे स्थापित करना है आपने ये कार्य किया सबसे बड़ी एक घटना मैं कह करके अपनी बात को विराम दूंगी पंडित जी जब हिमाचल जा रहे थे तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हो रहा था आप दो दिन के लिए आप वहां विश्राम किया जालंधर में तो जालंधर में संगीत सम्मेलन जो हो रहा था वो बाबा हरिवल्लभ के नाम से होता है आज उसको एक साल हो गए अनवरत ये संगीत का एक अनूठा सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष जिसका आयोजन किया जाता है और पहले पहले इसमें महंत ही गाते थे और ध्रुपद ही गाया जाता था कोई सारी पब्लिक सुना करती थी लेकिन गाना सिर्फ महंत लोग ही गाते थे तो जब पंडित जी वहाँ गए उन्होंने सुना उनको बहुत ही प्रभावशाली गायन लगा उनकी इच्छा हुई कि वो भी उस बाबा हरिवल्लभ की स्टेज पे गाना चाहते हैं लेकिन उनको वहाँ इनकार कर दिया गया फिर इन्होंने बार बार आग्रह करने पर आयोजकों ने कहा कि आपको पंद्रह मिनट के लिए सबसे अंत में गवाया जा सकता है आपने स्वीकार किया लेकिन ऐसा अद्भुत घटना घटी कि आपने उन पंद्रह मिनट में जो प्रस्तुति दी उससे सभी लोग बहुत ही भाव विभोर हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि जो अगले दिन प्रोसेशन निकला करता था उस प्रोसेशन के लिए हाथी पर पंडित जी को बिठा करके उस प्रोसेशन में उनको सम्मानपूर्वक बिठाया गया और वो प्रोसेशन निकला तो इस शोभा यात्रा में जो सम्मान मिला संगीत को जो वो चाहते थे और उसके बाद पंडित जी के बाद ही हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में जो शास्त्रीय गायक थे संगीत के उनका आमंत्रण होने लगा वहीं से लोग पार्टिसिपेट करने लगे उनके पहले हरिवल्ल हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में संगीत के कलाकारों का गायन नहीं हुआ करता था तो ये एक एक क्रांतिकारी एक कहें के कदम है कि उन्होंने जिस तरफ भी एक कदम रखा वहाँ वहाँ संगीत को एक प्रतिष्ठा दिलवाई और वहाँ वहाँ संगीत के साधकों के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि आज संगीतकार ही उस मंच को सुशोभित करते हैं और उसमें संगीत की प्रस्तुतियां देते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उनका वहाँ का गायन सुन करके महाराजा पटियाला ने आमंत्रित किया तो ये एक बहुत बड़ी उपाधि थी कि जो संगीत के कार्यक्रम में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में जो गा लेगा वो उनको बाबा हरिवल्लभ का जिसको आशीर्वाद मिल गया तो वो कसौटी हो जाती थी वो उसी समय कलाकार की उसको मान्यता प्राप्त एक तरह से जैसे हो गई ये एक सर्टिफिकेट था एक वहाँ के आशीर्वाद का तो ये रास्ता भी पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर जी ने ही खोला था तो कितनी ही बातें हैं कितनी ही कहने की बातें हैं जो पुस्तकों में आज तक जिनका व्याख्यान नहीं हुआ वो कहते हैं पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी हाल इनका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी अनगिनत राही गए इस राह पे उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी तो ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोल इसका पर्थ अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले पूर्व चलने के बटो ही पाठ की पहचान कर ले तो आज ये समय है कि हम उस महान संगीत के अनुनायक संगीत के मनीषी संगीत के चिंतक और मैं तो ये कहूँ कि जो वैदिक परंपरा के संवाहक के रूप में अवतरित हुए और जिन्होंने घर घर जाकर के संगीत की अलग जगाई प्रचार किया ऐसे मनुष्य को हम केवल नमन करके ही श्रद्धा के सुमन दे करके ही अपने को कर्तव्य परायण होकर के ये ना समझें कि हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया बल्कि उनकी एक एक बात को एक एक विचार को एक एक उनके कार्यकलाप को उसका अनुशीलन कर उसका विचार विमर्श कर उसे प्रेरणा पा करके हम समाज में संगीत को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठा दिए हुए अपने को कर्तव्य परायणता से संगीत की साधना में जुड़े रहें क्योंकि संगीत में ही सर्व विश्व का कल्याण है जय संगीत जय भारतीय संस्कृति धन्यवाद